नमस्कार, सुबह प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। तो रविवार को इजराइल हमास वॉर ने कैसे खतरनाक रूप ले लिया है, आज सुपर प्राइम टाइम में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। बता दें आपको, सुपर प्राइम टाइम में आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि इजराइल अब मस्जिदों पर हमले क्यों कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपके लिए आगे इंतजार कर रही है। इसके अलावा क्या इजरायली सेना हमास का अंत कर पाएगी, अगर हाँ तो कैसे, इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी आपके सामने होगी। क्या दूसरा लेबनान वॉर शुरू हो चुका है, क्या जंग की इस आग में ईरान भी जलने वाला है, आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं। 7 देशों में गाजा युद्ध की आग पहुंच गई है, यहां हमले शुरू हो गए हैं, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, हम इसका भी विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि युद्ध में तेल वाला खेल किसने और क्यों शुरू किया, क्या इस खेल के सामने इजराइल और अमेरिका फेल हो जाएंगे। सुपर प्राइम टाइम की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दिखाएं, उससे पहले युद्ध से जुड़ी इस वक्त की 3 एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें आपको, पहली बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का मिसाइल से हमला हुआ है, जहां हमास ने एंटी टैंक मिसाइल दागी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिसाइल हमले में इजराइल के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये पहली बड़ी खबर आपके सामने, और इस बीच दूसरी एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग भी यहां आपके सामने, जहां इजराइल के एक और मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद बेस पर ये हमला हुआ है, हिजबुल्ला के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया है। तीसरी बड़ी खबर भी इस बीच आपके सामने रख रहे हैं, जहां युद्ध को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री का ये बहुत बड़ा बयान, युद्ध का विस्तार हुआ तो अमेरिका भी हमला करेगा। तो ये 3 एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। तो अमेरिका ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि अगर हमास और इसराइल में हो रहे युद्ध के बीच कोई दूसरा देश आता है, अगर युद्ध का विस्तार होता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। मतलब ये कि अमेरिकी सेना उस देश पर हमला करेगी जो इस जंग में कूदेगा। अमेरिका की ये अरब देशों को सीधी धमकी है। उधर इजरायली सेना ने गाजा में अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली है। गाजा में विनाश का ऐसा तूफान आने जा रहा है जिसकी कल्पना अब तक किसी ने भी नहीं की होगी। गाजा में ये विध्वंस तो सिर्फ झांकी है, तबाही का सबसे बड़ा तूफान अब आने जा रहा है। रविवार से ऐसा रक्तपात शुरू हो रहा है जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की होगी। गाजा में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, अब तक का सबसे भीषण हमला शुरू हो गया है। हमास के लिए कयामत बहुत निकट आ गई है। गाजा में महाविनाश की मुनादी हो गई है। एक हफ्ते के अंदर गाजा की धरती रक्त से लाल हो जाएगी, हर तरफ लाशें बिछ जाएंगी। इजराइल का महाप्रहार शुरू होने वाला है। ये वो प्रहार होगा जिससे हमास का संहार तय माना जा रहा है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने जो कुछ किया है, जो कुछ कहा है, उससे महाविनाश का सायरन बजने लगा। इजरायली सेना ने हमले का प्लान बदल दिया है, अब नए प्लान के तहत प्रहार शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू सेना का नया प्लान क्या है, इसे समझने के लिए पहले उसके विध्वंसक ऐलान पर गौर करना होगा। इजरायली सेना ने ऑपरेशन हमास को लेकर 24 घंटे में 3 बड़ी घोषणा की। पहली घोषणा, आईडीएफ गाजा पर विध्वंसक हमले तेज करेगी। दूसरी घोषणा, युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका है। तीसरी घोषणा, अब हमास पर ऐसा हमला होगा जो अब तक नहीं हुआ। यानी अब हमास पर ऐसा हमला होने जा रहा है जो पिछले 16 दिनों में नहीं हुआ। गाजा में हमास को पूरी तरह से साफ कर देने का टारगेट रखा गया है। God.
इसके लिए इजरायली सेना कुछ भी करने को तैयार है। अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने का ऐलान हुआ और इसी के साथ इजरायल की एयर स्ट्राइक तेज हो गई। IDF लगातार गाजा पर मिसाइल बरसा रहा है क्योंकि उसके टारगेट पर वो मस्जिदें हैं जहां हमास के लड़ाके छिपे हैं। सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना की नई युद्ध नीति क्या है, उसने अचानक एयर अटैक को तेज करने का फैसला क्यों लिया। बता दें आपको, हमास को खत्म करने के लिए इसराइल ने दो चरण का प्लान बनाया है। पहले चरण की बात करें तो इजरायली सेना गाजा पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला इस चरण में करेगी। एक हफ्ते तक गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को तबाह किया जाएगा इसके तहत। इसके अलावा यह हमला स्काई स्निपर मिसाइल से होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, यह इसराइल की बहुत ही घातक मिसाइल है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। तो हमास की कमर तोड़ने की तैयारी पहले चरण में की गई है, जिसपे किस तरीके से पूरा हमला होगा यह हम आपको बता रहे हैं। तो जमीनी जंग के लिए हालात बनाए जाएंगे, मिसाइल अटैक कर इजरायल हमास के ठिकानों को तबाह करेगा। असल में हमास की कमर तोड़ने की तैयारी कर चुका है इजरायल, भीषण हमला कर जमीनी जंग के लिए अनुकूल हालात बनाए जाएंगे। इसके बाद बात करें दूसरे चरण की, तो इसकी शुरुआत होगी गाजा में। आपको बता दें, इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी। इसराइल के कमांडो हमास की सुरंगों में घुसेंगे। इसराइल ने जमीनी जंग के लिए स्पेशल यूनिट भी बनाई है। इसराइल अपने कमांडो को सुरंग में युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा ये कमांडो हमास के सभी लड़ाकों को खत्म करने का ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। यही वो प्लान है जिसकी वजह से इजरायल ने हवाई हमले तेज कर दिए। एक तरफ गाजा में तबाही की बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट जमीनी जंग की तैयारी कर रही है। इजरायली सेना की ये वही यूनिट है जिसे हमास की सुरंगों में घुसने और हमास के हर एक लड़ाके को खत्म करने का टास्क सौंपा गया है। जो मिशन इस वक्त असंभव सा लग रहा है, उसे यही यूनिट संभव करने वाली है। इजरायल के नए प्लान के बारे में हमास को जैसे ही जानकारी मिली, उसने भी सुरंग युद्ध की गर्जना कर दी। ये सुरंग हमास की है। इस वीडियो को हमास ने ही जारी किया है। इसके जरिए हमास ने ऐलान किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सेना की कब्र खोदने के लिए सुरंग में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच इजरायल के पूर्व कमांडर ने युद्ध को लेकर बहुत बड़ा और डराने वाला ऐलान किया है। एफी इतम ने इजरायली मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमास इजरायल युद्ध एक साल तक चलेगा, एक साल से कम एक मिनट भी नहीं चलेगा। इस ऐलान का मतलब यह है कि इजरायल हमास को कमतर नहीं आंक रहा। इजरायल को भी मालूम है कि हमास को जल्द खत्म करना आसान है। सच भी यही है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि इजरायल के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। यही वजह है कि नेतन्याहू सेना ने लंबी जंग की तैयारी कर ली है। एक साल का पूरा खाका खींच लिया गया है। नेतन्याहू का अंतिम प्रण है हमास को पूरी तरह खत्म कर देना। ये प्रण पूरा होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।